हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे अपने दिल की, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और कुछ पढ़ाई के बाहर की बातें भी हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, नीट 2020 आपको देना है या नीट 2021 आपको देना है, तो सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आप में से ज़्यादातर बच्चे सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि नीट की स्ट्रेटजी, 60 दिन में कैसे पढ़ाई करें, और मैं भी चीज़ें बताता हूँ, है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सफलता के लिए हमें किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत ही नहीं। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंस, कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार करते रहें। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप 10 घंटे पढ़ने का टाइम निकाल रहे हैं, तो डेली आप 1 घंटे टाइम निकाल लें। आप ये नहीं कि आप संडे मनाने लगे या फिर कोई त्यौहार आ गया बीच में उसको आप मनाना स्टार्ट कर दें। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपने लक्ष्य को नहीं पा जाते, तब तक वो काम आप कंटिन्यूअसली करते रहे, उसके लिए फिर कोई टाइम टेबल नहीं चलेगा, कोई इसके लिए स्ट्रेटजी नहीं। हाँ, टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैंने यूज की है अपने सिलेक्शन के लिए, वो ऐसा नहीं कि सबके लिए काम करे। या कोई टॉपर रहा है, जो नीट का टॉपर रहा या एम्स का टॉपर रहा, ऐसा नहीं कि उसने जो स्ट्रेटजी यूज की थी अपने लिए वो आपके लिए भी काम करेगी। क्योंकि सबका पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, पढ़ने का टाइम अलग होता है ना। कोई सुबह उठ के पढ़ लेता है, कोई रात में ज़्यादा देर तक जग के पढ़ता है, तो सबकी टेक्निक अगर अलग है। अगर मैं टाइम टेबल अपने लिए बनाऊंगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये टाइम टेबल सबके लिए काम करे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, और ऐसी वीडियोज़ मैंने देखा ज़्यादा चलती हैं, जब आप टाइम टेबल की बात करेंगे या फालतू की बकवास करेंगे, वो वीडियो ज़्यादा चलती हैं, बच्चे उसको ज़्यादा देखते हैं। पढ़ाई लिखाई वाली वीडियोस कम चलती है ना। तो ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है कि अगर हम अभी नीट पोस्टपोन की अगर वीडियो डालेंगे, तो उस पर 40,000, 50,000, 25,000 व्यूज़ आ जाएंगे। इन पढ़ाई की वीडियो डालेंगे तो उसमें 5,000 व्यूज़ आएंगे। तो हमें ये बात थोड़ी सी समझने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप लोग वही चाहते हो। तो यूट्यूबर भी यही करते हैं कि जो आप चाहते हैं वही आपको प्रोवाइड करते हैं, कि कैसे 2 घंटे में या 2 दिन में आप 400 से कैसे 600 तक पहुँच जाएँ। ऐसी वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। अगर 2 दिन में या 1 हफ्ते में 400 से 600 नंबर पहुंच जाएगा, तो फिर पूरे साल पर कौन पढ़ाई करेगा? फिर ये कोचिंग और इतनी सारी चीज़ें, स्कूल बच्चा क्यों जाएगा? फिर सीधे वो इनकी स्ट्रेटजी यूज़ करे और सीधा 400 600 पहुंच जाए 1 हफ्ते में, है ना। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बताते हैं कि 30 दिन में पढ़ के कैसे सिलेक्शन लें। 30 दिन में पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपने 11 महीने पढ़ा और आखिरी के 30 दिन पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो जाता है कि 1 महीने में पढ़ के आप सिलेक्शन ले लें, वरना सारे बच्चे इन्हीं के पास चले जाएं और 1 महीने इनसे पढ़ लें और सिलेक्शन ले लें। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये केवल प्रोपेगेंडा है, ये केवल फालतू की बातें हैं। तो ऐसे लोगों से पहली चीज़ तो आप दूर रहिए, है ना। दूसरी बात ये बेटा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सबके स्ट्रेटजी, सबके पढ़ने का तरीका, सबके पढ़ने का स्टाइल, सबके मेमोरी पावर अलग अलग होती है। हो सकता है कि एक बच्चे को जो चीज़ आसानी से याद हो जाए, वो दूसरे बच्चे को ना याद हो। दूसरा बच्चा हो सकता है कि जो मैथमेटिकल पोर्शन हो उसमें अच्छा हो, जो एक बच्चा नहीं है। एक को बायो अच्छे से आती, दूसरे को फिजिक्स अच्छे से आती, किसी को केमिस्ट्री अच्छे से आती, किसी को बायो पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है। तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती हैं। तो हम एक स्ट्रेटजी अगर बनाते, देखिए मैं जो स्ट्रेटजी बनाता हूँ उसमें ये बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। टाइम आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कब क्या आपको करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा सुबह 6 बजे आप उठे, हो सकता है आप रात में 2 3 बजे तक पढ़ते हो, तो आप सुबह 6 बजे नहीं जग पाएंगे, या जग जाएंगे तो आपको दिन भर नींद आएगी। तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये कि आपको जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उस काम को बस आप करते रहिए। पढ़ाई आप करें तो पढ़ाई आप करते रहिए, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी ढूंढने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पर क्या, जब यूट्यूब नहीं था तब लोग सेलेक्ट नहीं होते थे? हाँ, मैं 2010 में सेलेक्ट हुआ, उस समय यूट्यूब का उतना ज़्यादा नहीं चलता था। इस समय तो हर चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो उस समय कोई स्ट्रेटजी ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी, या जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब यूट्यूब पे सीख के आए या दूसरे से स्ट्रेटजी पूछ के आए। तो ऐसा कुछ मत सोचिए कि कोई स्ट्रेटजी होती है सिलेक्शन के लिए और स्ट्रेटजी आपको पता चलेगी तब आप सेलेक्ट होंगे, नहीं पता चलेगी तो नहीं सेलेक्ट होंगे। कुछ नहीं, बस आप पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि जो टॉपर होता है नीट का या एम्स जब हुआ करता था, तो टॉपर भी नहीं जानता है कि वो टॉप करेगा। सबसे पहली लड़ाई तो होती है सिलेक्शन के लिए, कि कैसे भी करके जो 580 मार्क्स के सिलेक्शन के लिए चाहिए उतना है।
फिर हम आगे की बात करते हैं। तो टॉपर को भी ये पता नहीं होता है कि वो टॉप करने वाला है, बस हो जाता है ना। आप पढ़ते रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप टॉप कर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, है ना। इसके लिए कोई स्ट्रेटजी अलग से नहीं चाहिए होती कि एक नई स्ट्रेटजी आप बनाए 30 दिन के लिए, 50 दिन के लिए। हाँ, कुछ तरीके हम बताते हैं कि देखिए आपको आप क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। और कोई भी स्ट्रेटजी बनाएगा तो यही बताएगा कि जो टॉपिक आपके वीक हैं उन टॉपिक को आप कवर कर लो, टेस्ट सीरीज कर लो, यही सब चीज़ें बताएगा। और क्या वो स्ट्रेटजी में बता देगा आपको, या फिर स्ट्रेटजी कुछ ऐसे बता देगा कि आप एक दिन में कैसे 400 से 600 पहुंच जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन बच्चे यही देखना चाहते हैं तो लोग यही बनाते भी रहते हैं। पढ़ाई लिखाई से इनका कोई मतलब नहीं होता। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो पढ़ाई लिखाई के अलावा यही सब काम करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अब तो आप अपने हिसाब से अपने आप को अपनी पढ़ाई में एडजस्ट करिए। जब तक आपका नीट नहीं होता है, तब तक आप पढ़ते रहिए, तब तक आप इस चक्कर मत पड़े कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। जब भी नीट होगा, जब भी नीट होगा, आप देखिए जो KCET का एग्ज़ाम हो करवाया गया, करीब 1.5 लाख बच्चे वहाँ पे अपीयर भी हुए। तो अगर एक स्टेट में 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसका मतलब है नीट 2020 भी 15 लाख बच्चे दे सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना है ना। इतने सारे केसेस इस समय आ रहे हैं, उसके बीच में एग्ज़ाम करा लिया गया। जो पॉजिटिव बच्चे थे जिनको कोरोना था, उनके लिए अलग से सेंटर बना दिए गए। तो यानी अगर एक स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, तो नेशनल लेवल पे भी ये काम हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी ये काम हो सकता है। तो किसी भी प्रोपेगेंडा के चक्कर में ना पड़े, है ना। बहुत लोग ये बताएंगे कि इतने केस बढ़ रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है, और सब प्रूफ देने लगते हैं आपको कि विद प्रूफ। तो ऐसे लोगों से एकदम सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए। अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, और पढ़ाई करने के लिए कोई बहाने मत ढूंढिए, कोई स्ट्रेटजी मत ढूंढिए, कोई टाइम टेबल मत ढूंढिए, बस पढ़ते रहिए। जब मैं तैयारी करता था तो मैं केवल पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के अलावा मैं कोई काम नहीं करता था। तो यही काम बस आपको करना है, बस आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। 1-2 दिन में हमारी लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। तो उन क्लासेस के द्वारा बहुत कुछ आप सीख भी रहे होंगे, बहुत कुछ हम भी सीख रहे हैं। जब क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें टीचर भी बहुत कुछ नई चीज़ें सीखता है। जैसे NTA का पेपर मैं करा रहा हूँ, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती, कई सारे नए पॉइंट में मुझे मिलते हैं जो मैं आपको बताता रहा। तो ऐसा नहीं कि बायो में पढ़ा रहा तो मुझे सब कुछ आता है, नहीं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नई सीखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे पता चलते हैं जिससे वो टॉपिक और थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो बेटा इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो क्रैश कोर्स अपलोडेड है उससे आप रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन के लिए बच्चों ने मुझे PDF भेजे थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि जिनमें उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके और आंसर उसमें साथ में है, वो भी आपको मैंने शेयर किया, वो भी आप करिए। वीडियोज़ मर्ज करके भी मैंने बहुत सारी आपको देखी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की पूरी वीडियो 8 घंटे में क्रैश कोर्स की आपको मिल जाती है। तो 8 घंटे में पूरे 7 चैप्टर आप रिवाइज कर लेंगे नॉर्मल स्पीड पे, 2x स्पीड पे पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, एक एक लाइन NCERT की 4 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन की वीडियोस भी मर्ज करके मैंने अपलोड किए, जो लाइव सेशन में मैंने आपको कराया था वो भी आप करते रहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे की प्लानिंग है। जिपमर हो गया, एम्स हो गया, नीट हो गया, इनके पेपर मैं कराऊंगा। KCET 2020 का जो भी पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, आप देखिएगा कि किस तरह का पेपर वहाँ पर पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी, अभी रात में करीब 1:15 हो रहा है, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, है ना। मैं ऐसे टहल रहा था, मेरे दिमाग में आया कि कुछ आपको बताना चाहिए जो मतलब मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि जहाँ पे आज आप हैं, 10 साल पहले मैं भी ऐसे ही बच्चा हुआ करता था, अभी मैं बच्चा ही हूँ, लेकिन है ना, कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटजी आपको बताएगा तब आप पढ़ोगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट आप करते हो, है ना। आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की स्ट्रेटजीज होती है और मिलता कुछ नहीं, अल्टीमेटली करना आपको ही है ना। तो इन स्ट्रेटजी के चक्कर में और नीट पोस्टपोन की जो न्यूज है इनके चक्कर में पढ़ के कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप तैयारी करते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे ही देता हूँ, तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, है ना, और लगातार ये काम हम कर भी रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई बात हो तो बताइएगा, क्योंकि कल तो आपकी क्लासेस है नहीं, तो मैं सोचूंगा कि उस पर भी मैं कुछ आपको बताऊं, है ना। तो आप बस पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई आप करेंगे आप सफल हो जाएंगे, जैसे कि मैं हो गया, है ना। और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं बेटा, जितने भी सफल लोग हुए, उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। कोई स्ट्रेटजी वो नहीं ढूंढ रहे थे यूट्यूब पे, है ना, इसीलिए वो सफल हुए। तो
तो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढते रहेंगे और उनमें टाइम वेस्ट करेंगे तो पढ़ेंगे कब? दिन रात अगर आप मोटिवेशन वाली वीडियो ही ढूंढते रहेंगे तो मोटिवेशन ही लेते रहेंगे तो पढ़ोगे कब तुम लोग? तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि कितना तुम लोग टाइम यूट्यूब पे बिताते हो। पढ़ाई लिखाई वाला टाइम बिताओ तो सही है कि आपने 1 घंटे की लाइव क्लास की, उसमें आपने 90 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन किए, ये चीज़ें तो आप सीख रहे हो। लेकिन जब आप अब यूट्यूब खोल के ज़रा वॉच टाइम देखना कि कितनी देर आप यूट्यूब देखते हो और उसमें ज्ञान की बातें कितनी देर आपने की, आपने मेरा चैनल कितनी देर देखा, मेरी वीडियोस कितनी देर देखी और आपने ओवरऑल कितना टाइम दिया यूट्यूब पे और उसमें से क्या सीखा, कभी बैठ के इसको एनालाइज किया करो कभी जब टाइम तुम लोग को मिला करे। तो पूरा कंक्लूजन ये बेटा कि आप स्ट्रेटेजी ना ढूंढें, कोई टाइम टेबल ना ढूंढें, कोई मोटिवेशन ना ढूंढें, पढ़ेंगे तो मोटिवेशन अपने आप आपको मिल जाएगा। बस पढ़ के तो देखिए, एक दिन आप 12 घंटे पढ़ो, अपने आप मोटिवेशन इतना मिल जाएगा ना कि अगले 10 दिन आप पढ़ते रहोगे। और एक बार पढ़ाई की लत लग जाएगी ना, फिर पढ़ाई के अलावा और कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर पढ़ाई में आपको मजा आने लगेगा। और जब पढ़ाई में मजा आने लगेगा ना, फिर सफलता से कोई आपको रोक नहीं सकता।